नमस्कार, आदाब। मैं एजाज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीमांचल प्रेस, और हमारे साथ हैं एक अम्मा जो कुछ कहना चाह रही हैं। और ये 26-27वां दिन चल रहा है जो किसान आंदोलन में है सिंगू बॉर्डर में। तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाह रही हैं। सुमन लता, पंजाब कला संगम फुगवाड़ा। असी पहली तरीक तो आए हुए हैं। असी जो किसानों का स्ट्रगल चलती है, असी अपने इलाके च भी पहला 2 महीने बैठे रहे हैं धरने ते लाइना ते पेट्रोल पंपा ते जा मॉल दे हिसाब नाल असी बैठे रहे हैं पहला भी। उस तो बाद असी सिंगू बॉर्डर आए हैं, अज भी असी पहली तरीक तो मैं इत्थे अपनी टीम के नाल बैठे हैं। अज भी मेरी बेटी ने भी कवितावां बोलियां, मेरे बेटे भी नाटक कर रहे हैं। असी ये जो काले कानून मोदी ने लेंदे है असी उहदे विरोध च बोल रहे हैं। काले कानून लोगों के हित विच नहीं है। बिना शक मोदी जोर ला के ये गल कह रहा कि ये जड़े किसानों के हित विच है, कानून किसानों नूं फायदा दूंगे। पर सारे पढ़े लिखे है, किसान भी पढ़े लिखे है, उन्होंने बच्चे पढ़े लिखे है, सब ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये सब नूं पता लग गया हुण कि ये कानून साढ़े मौत दे वारंट है। कोई कानून अच्छे नहीं, कोई कानून ये ठीक नहीं। असी ये कानून रद्द कराना चाहते, मुड तो ये कानून रद्द होने चाहिए। हमारा जे निश्चय है, जे अगर कानून रद्द नहीं किया फिर क्या करोगे आप? अगर कानून रद्द नहीं हुए तो कुछ समय वेट करो, उसको अपने आप इस्तीफा देना पड़ेगा। लोगों को जोर इतना पड़ जाएगा कि अपने आप इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोगों की वोटों से बना होता है। अगर वो लोगों की इच्छा नहीं जान सकता, अगर वो लोगों की तकलीफ नहीं जानता, अगर वो लोगों की जेब नहीं जानता, तो उसे कोई हक नहीं गद्दी पर रहने का। उसे अपने आप इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देता इस्तीफा तो लोग अपने जोर से उसे इस्तीफा दुआएंगे जरूर। तो अगर ये काला कानून, अगर ये सोचो कि बहुत दिन तक अगर आपको बैठना पड़ा तो क्या आप बहुत दिन तक, कितने दिन तक यहाँ पे बैठोगे? कोई बात नहीं, जितना समय मोदी चाहे उतना समय बैठे। जब तक मोदी की सरकार खत्म नहीं होती हम यहीं रहेंगे। जब तक मोदी की सरकार गिरती नहीं, या अगर उसको एक काम करना पड़ेगा, अगर हमारे ये कानून रद्द करे नहीं करता तो उसको सरकार गिरनी पड़ेगी, गिरानी पड़ेगी। लोगों का हजूम गिराएगा, एक दिन गिराएगा। मोदी रोएगा, अवश्य रोएगा। जो 15 संगठन किसान जो मुंबई से चल चुके हैं दिल्ली की ओर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ जी। वो पूरे हौसले से आ रहे हैं, उनमें भी जज्बा है, जोश है, मिट्टी का एक रंग है कि हमारा आज ये जमीन है, हम अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। चलिए, थैंक यू। और